लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी बची 115 में से 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दो बार के सांसद मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर आमने सामने हैं, तो वहीं मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से मैदान में है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मनोज तिवारी मैदान में है, जबकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, गायक और अभिनेता मनोज तिवारी इस सीट से दो बार के सांसद हैं और तीसरी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। मनोज के सामने इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस ने बिहार से ही नाता रखने वाले कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। कन्हैया जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज भी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर दो वकीलों के बीच महामुकाबला है। बीजेपी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। बांसुरी और सोमनाथ दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बांसुरी के लिए ये चुनावी राजनीति का आगाज है, तो वहीं सोमनाथ भारती कोंडली विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान है। आम चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। पांच चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर मतदान हुआ है। आज छठे चरण के मतदान के बाद 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे।